बात करते हैं इंदौर की, जहां टीआई हाकम सिंह पवार आत्महत्या केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली महिला एएसआई टीआई से लाखों रुपए के आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले चुकी थी। गुरुवार को पुलिस ने उसके घर की भी तलाशी ली और सामान जब्ती के लिए दो दिन का रिमांड बढ़ा लिया है। एसीपी आशीष पटेल के मुताबिक एएसआई रंजना खांडे और टीआई पवार की तीसरी पत्नी रेशमा शेख को आमने सामने बैठा कर पूछताछ की गई है। रेशमा ने बताया, घटना के पूर्व टीआई एएसआई खांडे से मिलने उसके घर सिलिकॉन सिटी रिपीट रेशमा ने बताया घटना के पूर्व टीआई एएसआई खांडे से मिलने उसके घर सिलिकॉन सिटी गए थे। एएसआई उन्हें ब्लैकमेल कर लाखों के आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले चुकी थी। इतराज फास के बाद पुलिस दोनों आरोपितों को एएसआई खांडे के घर ले गई और पड़ोसियों के सामने ही पूछताछ की। एएसआई ने यह तो स्वीकार लिया कि टीआई सुबह 9 बजे क्रेटा कार से आए थे, लेकिन चाय पीकर चले गए थे। रेशमा ने उसके घर का सामान देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि जैसा सामान उसके लिए खरीदा था वैसा ही एएसआई के घर भी मौजूद है। वे दोनों को एक जैसा सामान दिलाते थे। एसीपी के मुताबिक एएसआई ने भी आभूषण व इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना कबूल किया है। जब्ती के लिए दो दिन का रिमांड बढ़ा दिया गया है। मोबाइल के बारे में पूछते ही एएसआई खांडे बहाना बनाने लगती है, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि उसने भाई से मोबाइल गायब करवाया था। आशंका है कि पूछताछ के डर से भी उसने भी आत्महत्या कर ली थी। पुलिस अब एएसआई की सिम निकलवा कर तकनीकी जांच करेगी। एक अन्य आरोपित गोविंद जायसवाल की तलाश में भी छापे मारे जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में टीआई पवार ने एएसआई खांडे को गोली मारकर खुद आत्महत्या कर ली थी। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है, राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।